एसआर के की इस साल की तीसरी और राजकुमार हिरानी के करियर की छठी पिक्चर डंकी आज थिएटर में रिलीज हो चुकी है, जिसका पहला शो मैंने देखा और मुझे इसे देखकर मिक्स फीलिंग आई। कुछ चीजें इसकी अच्छी हैं, लेकिन कुछ चीजें ये इतनी अच्छी नहीं है जितना मैं एक्सपेक्टेशन लेकर चल रहा था और मैं एक राजकुमार हिरानी की फिल्म से चाहता था। वैसे क्या इसमें अच्छा है और क्या नहीं, आई रन 100 साल राज करके गए अंग्रेज, जब यू यहाँ आए थे हमने तो नींद से पूछा था कि भाई हिंदी आती है क्या, जब हमने इनको नहीं रोका था तो ये कौन होते हैं हमको रोकने वाले। राजकुमार हिरानी, अगर आप इस नाम को नहीं जानते हैं तो आप ये सुन लीजिए, मुन्ना भाई MBBS, लगे रहो मुन्ना भाई, 3 इडियट, PK और संजू, ये 5 पिक्चर है जो आपको कभी भी एंटरटेनमेंट दे सकती है। ये 5ों ही फिल्में इस डायरेक्टर ने बनाई है, जिसकी एडिटिंग, राइटिंग और डायरेक्शन तीनों इन्हीं ने किया है और इन्हीं की ही नेक्स्ट मूवी डंकी है जिसमें SRK आने वाले हैं। और फैक्ट की बात ये है, इन 5 में से 2 पिक्चर में SRK को राजकुमार हिरानी कास्ट करने वाले थे, लेकिन वो नहीं कर पाए। उनकी पहली पिक्चर मुन्ना भाई MBBS में और उनकी तीसरी पिक्चर 3 इडियट में, और इन दोनों ही पिक्चर में SRK उनके साथ काम नहीं कर पाए। लेकिन अब उन दोनों का ड्रीम कम ट्रू हुआ है डंकी पिक्चर के साथ। इस फिल्म की अगर स्टोरी देखी जाए तो 5 दोस्त है जिनको पंजाब से लंदन जाना है और उन्हें लीगल तरीके से जाना है, जिसके लिए बहुत सारे प्रयास करते हैं, लेकिन वो प्रयास जब पूरे नहीं हो पाते तो वो इलीगल तरीका अपनाते हैं डंकी मारने का, जिसे डंकी कहा जाता है और बोलने में इसे डंकी कहा जाता है। और ये कैसे इलीगल तरीके से लंदन पहुंचते हैं, वहां जाके क्या होता है, कैसे देर से प्रेम होता है, वो सारी स्टोरी आपको फिल्म में देखने को मिलेगी। जो स्टोरी के हिसाब से तो फिल्म काफी अच्छी बन सकती थी, लेकिन इसके जो इमोशनल पैटर्न्स है वो कहीं जगह कनेक्ट नहीं हो पाते। अगर फिल्म का म्यूजिक देखा जाए तो एक एक गाना काफी बढ़िया है, सही समय पे आता है, स्टोरी के साथ भी चलता है और फिल्म में हमें इमोशनली कनेक्ट करवाता भी है, लेकिन कुछ गाने इसके रिमेमराइज नहीं है तो याद भी नहीं रह पाते। फिल्म में अगर परफॉर्मेंस देखी जाए तो SRK की और विक्की कौशल की परफॉर्मेंस काफी बढ़िया है। हाँ, कुछ लोगों को SRK का एक्सेंट पसंद नहीं आ रहा है, लेकिन वो एक्सेंट उस फिल्म के लिए, कैरेक्टर के लिए जरूरी था, तो उसे उन्होंने काफी अच्छे से निभाया भी है। लगातार 2 पिक्चरें ऐसी मासी आने के बाद में SRK की जो छवि है ना, वो कुछ एक्शन हीरो टाइप बन रही थी और इस फिल्म में उन्होंने एक अलग कैरेक्टर निभाया जो लोगों को इम्प्रेस तो करता ही है, लेकिन इससे लोग कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, जैसे कि मैं। फिल्म के अंदर इमोशनल कनेक्ट हमें देखने को मिलता है विकी कौशल के कैरेक्टर से, जहां वो जल जाता है, जो आपको ट्रेलर में भी देखने को मिल चुका था, उसके बाद से फिल्म में इमोशनल कनेक्ट बैठ जाता है। लेकिन इसकी जो कॉमेडी है वो भी कुछ जगह अच्छा काम करती है, लेकिन पूरी तरीके से नहीं। जो आपको ट्रेलर में हंसने को मिला था उतना ही पार्ट आपको फिल्म में भी देखकर हंसने को मिलेगा। उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऐसा सीन नहीं है जैसे 3 इडियट, संजू या PK में था, जिसमें आप ताली मार मार के हंसते जाओ। फिल्म के अंदर हमें 5 कैरेक्टर दिखाए गए हैं, जिनमें से एक ही कैरेक्टर की इमोशनल स्टोरी हमसे कनेक्ट हो पाती है, जिससे हम इमोशनली कनेक्ट हो जाए, लेकिन कुछ स्टोरी ऐसी है जो प्रिडिक्टेबल लगती है। फिल्म की बहुत सारी चीजों में हमें, जैसे फर्स्ट हाफ देखा जाए तो हमें उसमें कॉमेडी और इमोशनल देखने को मिलेगा, कैरेक्टर डेवलपमेंट देखने को मिलेगा, लेकिन उसका जो सेकेंड हाफ है वो डंकी की स्टोरी दिखाएगा कि कैसे डंकी मारी जाती है, कैसे इलीगल माइग्रेशन होता है और कैसे वो वापस अपने देश में आते हैं। इन सब चीजों में जो स्क्रीन प्ले वो टाइट तो रखा गया है, लेकिन इतना एंगेजिंग है, एंटरटेनमेंट फील नहीं करवाता जितना हम राजकुमार हिरानी के अलग दूसरी फिल्मों में जानते हैं या चाहते हैं या हमें मिलता है। एक्चुअली बात ये है ना कि राजकुमार हिरानी की फिल्मों का एंटरटेनमेंट का जो स्केल है वो काफी हाई हो चुका है, जिसके अंदर कॉमेडी मिलती है, इमोशन मिलता है और एंटरटेनमेंट, इन तीनों का जो मिक्स कंसेप्ट है ना वो काफी अच्छे से मिलता है, जो इस फिल्म में मुझे थोड़ा सा कम लगा। इसमें स्टार पावर है, इसमें इमोशन है, इसमें कॉमेडी है, लेकिन इसमें इतना एंटरटेनमेंट मुझे नहीं मिला जितना मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। और अगर देखा जाए तो राजकुमार हिरानी के करियर की अगर सबसे खराब पिक्चर देखी जाए तो मैं डंकी को ही कहूंगा। हाँ, ये फिल्म अच्छी है, एक बार देख सकते हैं थिएटर में, फैमिली के साथ देख सकते हैं, ये एनिमल जैसा नहीं करती जो लोग कह रहे हैं कि महिला को गलत बताया, तो वो सब चीजें इसके अंदर नहीं है, लेकिन ये फिल्म मुझे पर्सनली एंटरटेन ज्यादा नहीं करती है। मैं इसे सिर्फ एक ही बार देखना चाहूंगा जो मैंने इसे थिएटर में देख ली। वैसे अगर आपने इस फिल्म को थिएटर में देखा है तो कैसी लगी है मुझे कमेंट से बताइएगा, और अगर अपने को और अगर अपने ओपिनियन मैच हो रहे हैं तो उसके बारे में मुझे बताइएगा कि आप पिक्चर देखने गए थे स्टार पावर के चक्कर में, राजकुमार हिरानी के चक्कर में, लेकिन उतना मजा वो आपको नहीं दे पाए। हाँ, कुछ सीन है जो एंटरटेन करते हैं, लेकिन यार वो यूट्यूब के वीडियो भी दे देते हैं। मैं एक फिल्म देखने जा रहा हूँ जिसमें मुझे फुल एंटरटेनमेंट चाहिए, जो अलग हटके हो, तो इस फिल्म में मुझे इतना अच्छे से नहीं मिला। बट फिल्म के अंदर जो फैमिली इमोशन है वो काफी अच्छे से दिखाया गया है, लाइक कि जिससे अगर किसी घर का बड़ा बेटा या कोई भी बच्चा विदेश चला जाता है तो उसकी फैमिली की सलाह को लोग मानते हैं, उन्हें पूछते हैं और उन्हें इज्जत भी मिलती है, जिस वजह से अगर लंदन में लोगों को भीख भी मांगना पड़ रही है ना तो वो भीख मांग कर भी काम चला रहे हैं ताकि अपने परिवार को एक प्राउड फील करवा सके, जो काफी बढ़िया था।
और एक और चीज, फिल्म के अंदर तापसी पन्नू और एसआर की केमिस्ट्री से इतना ज्यादा कनेक्शन नहीं फील हो पाता कि वो प्यार भी करते हैं या नहीं करते हैं। मतलब इनकी जो केमिस्ट्री है वो काफी फीकी फीकी लगती है। ओवरऑल मैं कहना चाहूंगा कि ये एक एवरेज फिल्म है राजकुमार हिरानी की, उनके डायरेक्शन के, उनकी कॉमेडी के हिसाब से एक बार देखी जा सकती है और मैं इसे दूंगा 5 में से 3 स्टार। वैसे अगर आपने ये फिल्म देख ली है तो कैसी लगी है कमेंट में बताइएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा। मैं मिलता हूं आपको नए किसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक आप सभी अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद।